पीथमपुर के थाना सागौड़ क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर लेवड़ मानपुर हाईवे से राजकुमार नामक युवक को 4 किलो गांजे के साथ पुलिस ने पकड़ा। पकड़े गए गांजे की कीमत 40,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ जारी है। पीथमपुर क्षेत्र के थाना सागौड़ के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लेबड़ मानपुर हाईवे के समीप पटेल ढाबे के पास से राजकुमार नामक युवक को गांजे की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी राजकुमार के पास से पुलिस ने 4 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 40,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया, पूछताछ अभी भी जारी है। वहीं पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि गांजा कहां से लाया गया है और कहां देने जा रहा था। वहीं पीथमपुर क्षेत्र के इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धार पुलिस कप्तान आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अवैध गांजा और इस तरीके के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया था, जिसमें श्रीमान CSP महोदय तरुणेन्द्र सिंह बघेल के निर्देशन में मानपुर लेबर 4 लेन पर एक व्यक्ति राजकुमार, जो कि जहांगीरपुरा का रहने वाला था, उसको पटेल ढाबे के पास में नारायणपुरा फाटे से 4 किलो गांजा, उसकी कीमत करीब 40,000 रुपये है, पकड़ा, गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध 8/20 NDPS एक्ट में कार्रवाई की गई है और इसका रिमांड लेकर इनके स्रोतों की जानकारी और कहां से लाया, किसे देने जा रहा था प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, शहर में सर कई जगह ऐसी बात सुनने में आती है कि गांजा बिक रहा है, और भी आगे भी किस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? इस कार्रवाई को निरंतर जारी रखना है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश भी हैं हमको लगातार। अगर ऐसी कहीं पर कोई सूचना आती है तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई।